budgetary system. Fiscal policy is the next important chapter of the Indian economy, which is one of the, you can say, it's an important pillar of the UPSC Indian economy, or basic things of Indian economy, that is fiscal policy and budgetary system. Even the budget is a part of fiscal policy. Okay, we say Hindi mein kehte hai class, vittiya niti. अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? तो क्लास, इकोनॉमिकली गवर्नमेंट के पास दो तरह की पॉलिसीज होती है. इकोनॉमी आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, ओके, बिकॉज चैप्टर क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स. वन इज मौद्रिक नीति, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. Another is वित्तीय नीति, जैसे कहते हैं. अभी हाल में हमने मॉनेटरी पॉलिसी खत्म की थी. ओके, इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है मोस्टली, तो मॉनेटरी पॉलिसी. अब मॉनेटरी पॉलिसी मोस्टली आपके इंटरेस्ट, क्वांटम ऑफ मनी से एसोसिएटेड, जो कि मेजर कंट्रोलर है. दो गवर्नमेंट है, बट आरबीआई गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है, समन्वय करके चलती है. आरबीआई गवर्नमेंट के साथ समन्वय के चलते करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मौद्रिक नीति, जिसमें कितना पैसा सिस्टम में रहेगा, कितना पैसा अगर रहेगा तो कितनी महंगाई हो सकती है, ये सारा चीज मौद्रिक नीति. इंटरेस्ट कितना रखा जाए, लोन सस्ता किया जाए, लोन महंगा किया जाए, कार लोन सस्ता किया जाए या एग्रीकल्चर लोन सस्ता किया जाए, मौद्रिक नीति. उसके थ्रू डेवलपमेंट देखा जाता है. ओके, फिस्कल पॉलिसी क्लास, गवर्नमेंट खुद बनाती है. फिस्कल पॉलिसी का जो बेस है वो क्या है? Spending and revenue. Spending मतलब गवर्नमेंट कितने स्पेंड कर रही है, या इसको दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू जनरेशन, ये फिस्कल पॉलिसी. ओके, इसके थ्रू ग्रोथ को मैनेज करना, ग्रोथ को डायरेक्शन दिखाना, दैट इज. अब रेवेन्यू में क्या आएगा? प्लस टैक्सेस, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो. ओके, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास फिस्कल पॉलिसी. ओके, स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट खर्च करती है. ओके, तो हम आपके रेवेन्यू में हम देखेंगे कि आपके रेवेन्यू के रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है. हम आपके स्पेंडिंग में देखेंगे कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं. ओके, इसी फिस्कल पॉलिसी में वी विल सी द बजट, कि बजट क्या है. ओके, बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वी विल सी द टैक्सेशन सिस्टम, कि हम ये टैक्स क्या होता है, हाउ टैक्स सेस सरचार्ज और फी कैन बी डिफरेंशिएटेड, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, देन वी विल सी द जीएसटी, वी विल सी द वैट, क्योंकि वैट अभी भी चल रहा है, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वैट है, तो वैट जीएसटी नहीं है, वैट देखेंगे. ओके, देन वी विल एनालाइज व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी. तो ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से देश में रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किस तरीके से देश में एक्सपेंडिचर कर रही है, सो दैट देश को एक प्रॉपर ग्रोथ के माध्यम से चलाना चाहिए. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी. इवन देन इन इन्फ्लेशन चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन,
the government can resolve, government generally resolve the monetary policy, but through taxation also the inflation can be really controlled. In controlling the interest rates, fiscal policy has also a role. But now, more and more focus is on monetary policy. Why? Yes, the reason, very good. The reason is because the government do not want to become a villain. If government frequently resort to fiscal policy, there is a frequent change in taxation system. The taxation either can be increased. If it is increased, then the general people will be not happy with the government and they will vote negatively against the government. So that's why regarding in most of the interest rates and regarding the monetary policy, the government slowly relies on RBI. Government do not resort with the fiscal policy. But this chapter belongs to the fiscal policy. So let's start with a chapter called fiscal policy. And in Dali class, fiscal policy. Meaning. Fiscal policy. Meaning of fiscal policy. Of fiscal policy. Fiscal policy refers to all means which influence the income and expenditure of government, all means which influence the income and expenditure of government, since most of the government income comes from taxation. Since most of the government income comes from taxation and most of the government expenditure goes to public expenditure. Thus, taxation and public expenditure. Are the main instrument of fiscal policy. The balance between these two areas determines the amount of money. The government will withdraw from or feed in the economy, which can counter economic peaks and slump. The government taxation and spending policies. Influences countries. Macroeconomic condition and thus